हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जे 2019 का केमिस्ट्री जनरल साइंस का केमिस्ट्री पार्ट देख रहे हैं। और केमिस्ट्री में जो एक पार्ट रह गया था साल्ट, साल्ट को मैं बता देता हूँ। ठीक है, साल्ट में क्या पढ़ना है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट ही क्या है, साल्ट है। पीएच इज़ द मेजर ऑफ एसिडिक एंड बेसिसिटी। ठीक है, पीएच से हम मेजर करते हैं कि एसिड है कोई भी वस्तु या बेस है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है तो एसिड होगा, और पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में आती है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, पीएच की जो वैल्यू नंबर बताता है वो 0 to 14 तक बताता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक बताता है, मतलब 1 से लेकर 14 तक बताता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड इज यूज बाई ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग एयर एंड और ब्रीथ कंटेंस कार्बन डाइऑक्साइड। दस वैन लाइम वाटर इज कैप्ट इन एयर और वी पास और ब्रीथ इन टू इट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें, जो गाड़ियों में से जो गैसेस निकलती हैं ना, गाड़ियों के जो धुएँ निकलते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो उसमें क्या बोला है कि इट इज़ ए नेचुरल ऑक्साइड ऑफ एयर एंड हैज़ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, अबाउट 200 टाइम्स मोर। दैट्स वाई इन द एनवायरमेंटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ नॉन पॉइजनस गैस प्यूपल्स डू फॉर द नीड ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट ईयर इट इज़ ए डेंजरस टू स्लीप इन एन अनवेंटिलेटेड रूम विथ फायर बर्निंग इनसाइड बिकॉज द फायर प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद से क्या देखने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कि इट इज़ अ केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O एंड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम विच इज कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड CaSO4 2H2O एट 373 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि ऑन मिक्सिंग विथ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड कॉल्ड जिप्सम। वाटर और प्लास्टर पेरिस को अगर मिक्स करके बना रहे हैं तो आगे सेट होके क्या बन जाता है, एक हार्ड सॉलिड बनता है जिसको बोला जाता है जिप्सम। क्या बोला जाता है, जिप्सम। आगे देख लेते हैं, दस इट इज यूज टू प्लास्टर फ्रैक्चर बोन्स फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। फिर उसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सीमेंट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सीमेंट से रिलेटेड क्या हम देख रहे हैं कि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम। रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले। लाइमस्टोन और क्ले ये रॉ मटेरियल हैं जिनसे सीमेंट हमारा बनता है। नेक्स्ट क्या बोला, द कम्पोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड। द कम्पोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का कम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड है। एलुमिना 5 to 10% होता है, 50 to 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CA एलुमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू डिक्रीज इट्स रेट ऑफ सेटिंग। जो उसके सेटिंग होने का रेट है वो डिक्रीज करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। और कितना यूज किया जाता है, 2 to 3% जिप्सम यूज किया जाता है। कब किया जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट किया जाता है तब। ठीक है, और ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करके बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन सीमेंट इफ लाइन इज इन एक्सेस सीमेंट क्रुक्स ड्यूरिंग सेटिंग टाइम।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि इन सीमेंट ऑफ लाइन इज एन एक्सेस सीमेंट क्रैक्स ड्यूरिंग सेटिंग एंड इफ लाइम इज लेस सीमेंट इज ऑफ ए वीक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर क्या है, मोर्टार अ मिक्सर ऑफ सैंड, मोर्टार जो होता है वो सैंड और सीमेंट और वाटर का मिक्सर ही होता है, ये यूज फॉर द ज्वाइनिंग ब्रिक्स एंड प्लास्टिंग वॉल, वॉल के प्लास्टिंग करनी है और ब्रिक के जो ज्वाइनिंग करने के लिए किया जाता है। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंक्रीट का कि मिक्सर ऑफ ग्रेवल सैंड सीमेंट एंड वाटर इज यूज फॉर द फ्लोरिंग एंड मेकिंग रोड्स, तो कंक्रीट यूज किया जाता है। आरसीसी विच इज कंक्रीट विथ स्टील बार एंड वायर्स इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रूफ ब्रिज एंड पिलर्स। नेक्स्ट है गैस, ठीक है, सॉरी ग्लास, तो ग्लास से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ग्लास क्या है, एन एमॉर्फस सॉलिड और सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड भी बोला जाता है इसको, और एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है और सुपर कूल्ड बोला जाता है। लिक्विड कंटेंट्स मेन्स सिल्का SiO2, मेन्स सिल्का होता है SiO2 ग्लास के लिए। डिफरेंट सब्सटेंस आर एडेड टू ऑब्टेन ग्लास ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, तो क्या क्या है, रेड है, रेड कॉर्पोरेट बनाए, सब्सटेंस एडेड कॉपर ऑक्साइड होता है रेड के लिए, रेड क्यों होता है, देखिए पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए क्या बोला है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस आर एडेड टू ऑब्टेन ग्लास ऑफ ए डिफरेंट कलर, तो अगर कलर रेड आ रहा है मतलब सब्सटेंस एडेड किया, कॉपर ऑक्साइड को एडेड किया तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड अगर एडेड किए तो ग्रीन हो जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड किए तो ब्लू हो जाता है, आयरन ऑक्साइड किए तो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। हैवी वाटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये वाला हैवी वाटर, हार्ड वाटर और हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ये सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।